hello everyone we were studying solid state class 12 chemistry okay this is part 3 of this chapter today we will study imperfections in solid any deviation from completely ordered arrangement in a crystal constitute a disorder or a defect डिफेक्ट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं नंबर वन है पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम लाइन डिफेक्ट द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलैरिटीज एंड डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ट्रिक कंपाउंड ठीक है आप पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे compound में स्टेशोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जहां पर एलिमेंट्स का रेशियो सेम होता है ठीक है चलिए तो स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला जैसे एन ए सी एल के सी एल के बी आर स्टेशोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड दीज मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स वैकेंसी डिफेक्ट वैन सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल्स द क्रिस्टल इज़ सैड टू हैव द व वैकेंसी डिफेक्ट ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो कम हो जाती है क्योंकि कुछ वैकेंट हो जाती हैं साइट जैसे यहाँ से एलिमेंट गायब हो गया यहाँ से एलिमेंट गायब हो गया ठीक है तो सम द व व वैकेंट साइट्स खाली होती हैं दो क्रिस्टल को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज हो जाती है ठीक है दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्वड फैना सब्सटेंस इज हीटेड ठीक है दो

कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट ये है देखिए इंटरस्टिशियल साइट यहाँ पर ये, ये पार्टिकल आ गया है ठीक है नेक्स्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट ये राइज होता है जब आयन मिसिंग हो जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन से मतलब लैटिस साइट से तो मिस हो जाता है और ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट्स बिटवीन द लेटेस्ट साइट ठीक है अपनी नॉर्मल साइट वै से वैकेंट हो गया ठीक है अपनी नॉर्मल साइट से तो मिस हो गया और जो वो है लेटेस्ट अपनी नॉर्मल लेटेस्ट साइट से वैकेंट हो गया है और दूसरी जो लेटेस्ट साइट है वहाँ पे उसने जो इंटरस्टिशियल साइट है इंटरस्टिशियल साइट लेटेस्ट साइट के बीच में जो खाली जगह होती है इंटरस्टिशियल साइट है वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया तो यहाँ कैटायन की वैकेंसी हो गई है क्योंकि ए पॉजिटिव गायब हुआ है ठीक है और कैटायन ऑक्यूपाइड वॉइड ठीक है ये फ्रेंकल डिफेक्ट है ठीक है एक जगह से मिस हो गए लेटेस्ट साइड से मिस हो गए इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है कंडीशन जो शो करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट को द डिफेक्ट जनरली अकर्स इन कंपाउंड्स इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए और एनायंस आर मच लार्जर इन साइज देन द कैटायन ठीक है ये इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्पल ए जी सी एल ए जी बी आर ए जी आई और जेड एन एस ठीक है ए जी बी आर एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट

जो अनऑक्यूपाइड लेटिसाइट्स है उसको हम होल्स बोलते हैं ये कैटाइन की वैकेंसी हो रही है क्योंकि ए पॉजिटिव गायब हो रहा है यहाँ से बी बी नेगेटिव गायब हो गया है तो ये अन की वैकेंसी हो रही है ठीक है ये शॉर्ट की डिफेक्ट है अब कौन सी कंडीशंस फॉलो करता हो मतलब शो करता है शॉर्ट की डिफेक्ट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ यूजली ऑब्जर्व इन स्ट्रॉगली आयनिक ए हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कैटाइंस एन आइंस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं कैटाइंस और एनाइन और जो ये वहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं जहाँ आइनिक स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स में ऑब्ज़र्व होते हैं ये और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए फ्रेंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए शॉर्ट के डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए ठीक है वहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट में अनायंस बहुत बड़ा होना चाहिए साइज़ में कटायन से और यहाँ पर कटायन अनायन सिमिलर साइज के होने चाहिए देखिए एन एस सी एल के सी आर के बी आर सी एस सी एल ए जी बी आर ए जी बी आर मैंने आपको वहाँ भी बताया था तो ये ए जी बी आर याद रखिएगा शॉर्ट की डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल होता है शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है क्योंकि गायब हो रहा है लेटेस्ट साइट से अब डिफरेंस देख लेते हैं शॉर्ट की में और फ्रेंकल डिफेक्ट में देखिए सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मिसिंग आइंस फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइट और फ्रेंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है व्हेन सम आइंस आर डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स एंड ऑक्यूपाइंग द साइट नेक्स पॉइंट इट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटीटी ऑफ द क्रिस्टल इट इज जनरली शोन बाई आइनिक सॉलिड्स हैविंग हाई कॉर्डिनेशन नंबर एंड इन विच कटाइन एन आइएस आर ऑफ इक्वल साइज इट इज जनरली शोन बाय आइनिक सॉलिड्स हैविंग लो कॉर्डिनेशन नंबर एंड इन विच एन आइंस आर लार्जर इन साइज दैन द कटाइन नेक्स्ट इज पॉइंट इफेक्ट इन नॉन स्टेशमोमेट्रिक क्रिस्टल नॉन स्टेशोमेट्रिक कंपाउंड द कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव आइंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिफर करता है ठीक है देखिए फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड नोन एज नॉन स्टेशमेट्रिक कंपाउंड द नॉन स्टेशमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी ऑफ टू टाइप्स के होते हैं ठीक है एक है ये मेटल एक्सेस दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी Uh, in, सबसे पहले देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन दीज डिफेक्ट जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो एक्सेस में होते हैं इट मे अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग टू वेज अब पॉजिटिव आइंस एक्सेस में कब हो सकते हैं वो हम टू वेज में देखेंगे सबसे पहले अगर एनायन ख़त्म हो जाए कोई एनायन वैकेंसी हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे ठीक है तो इन दिस केस निगेटिव आइन्स में बी मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइड लिविंग होल्स इन वेज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ट्रैप्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी यहाँ पर क्या हो रहा है एनाइन वैकेंसी में कोई नेगेटिव आयन मिस हो रहा है अपनी लेटेस्ट साइड से और उस जगह पर खाली जगह हो रही है तो होल्स रह रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है वो जगह टू मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ठीक है

नेक्स्ट देखिए इन मेक्स द क्रिस्टल अपियर्स वायलेट एक्सेस ऑफ लीथियम इन लिथियम क्लोराइड मेक्स द क्रिस्टल अपियर्स पिंक देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है एनआईन वैकेंसी वाली जगह पर तो ये एफ सेंटर है ठीक है यहाँ से अनायन की वैकेंसी हुई होगी वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट ठीक है एक्सेस कैटायन अगर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा तो वो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा ना वहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा इस केस में क्या होता है देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आइंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स को और इलेक्ट्रॉन दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है मेन्टेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ठीक है इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है वो जिंक ऑक्साइड में पाया जाता है जिंक ऑक्साइड वाइट कलर होता है रूम टेम्परेचर पर ठीक है जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पर जब हम उसको हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है और येलो कलर में टर्न हो जाता है ठीक है अब जो एक्से जिंक आयंस होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स में एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं इन द नेबरहुड साइड्स टू बैलेंस the electrical charge these electric electrons increase the electrical conductivity of the crystal ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिस्टल की देखिए जैसे ये है यहाँ पर ये कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइट यहाँ पर ये कैटायन आ गया है इंटरेस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया इंटरस्टिशियल इंटरेस्टिशियल साइट में जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की इंक्रीज़ हो जाती है नेक्स्ट देखिए मेटल डेफिशियंट इफ़ेक्ट ठीक है ये दोनों थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के पॉइंट अब है ये मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट दीज कंटेन लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस देन नेगेटिव आइंस ठीक है यहाँ पर नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे पॉजिटिव आयंस कम होंगे मेटल डेफिशियट इफेक्ट है ना ये तो इट में अराइज ड्यू टू टू वेज कैटायन की अगर वैकेंसी हो जाती है तो इन सम केसेस द पॉजिटिव आयंस मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइड कहीं कहीं पर पॉजिटिव आयन मिस हो जाता है अपनी लेटेस्ट साइड से तो पॉजिटिव आयन मिस हो गया तो नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे ना द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज में भी बैलेंस होता है बाय सम नियर बाय मेटल आयंस एक्वायरिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंस्टीड ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है पॉजिटिव आयन मिस हो जाता है अपनी लेटेस्ट साइट से अब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन करना पड़ेगा तो क्या होगा जो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस हो करने के लिए नेगेटिव चार्ज है ना एक्स्ट्रा बैलेंस जो हो गया नेगेटिव चार्ज उसको बैलेंस करने के लिए जो बराबर वाला जो मेटल आयन होता है वो इक्वल पॉजिटिव चार्ज के डबल कर लेता है वो

पॉजिटिव होगा ये ए टू पॉजिटिव हो गया मेटायल मेटल एक्वायर कर रहा है हाइयर चार्ज ठीक है एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट इन दिस केस द एक्स्ट्रा एनायंस मे बी ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजिशन यहाँ पर एक्स्ट्रा एनायन है जो ऑक्यूपाई कर रहा है इंटरस्टिशियल पोजिशन को एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाई द एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन द एडजेसेंट मेटल आयन यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट है तो एनायन ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर

Ionic crystals arise due to the presence of some impurity. Ions at the lattice sites or at the vacant interstitial site. Example, contain molten NACL who contain karta hai, hai small amount of SRCl2 is allowed to crystallize. Some of the sites of Na positive ions are occupied by SR2 positive ions. For each SR2 positive ions introduced, two NA positive ions are removed to maintain electrical neutrality and create vacancy. vacancies these vacancies result in the increased electrical conductivity of the solid similar defect and behavior is observed by cdcl2 is added to agcl dekhiye ye impurity ion hai yahan par kya ho raha hai jo molten nacl hota hai wo contain karta hai thode se amount mein srcl2 ठीक है allow कर देता है वो तो कुछ जो sites होती हैं एन पॉजिटिव ions की वो occupy कर लेता है एस टू पॉजिटिव आइन एन पॉजिटिव आयन की जो साइड है उसमें एस आर टू पॉजिटिव आयन आ गया ये इम्प्योरिटी आयन आ गया यहाँ पर ठीक है ये इम्प्योरिटी आयन आ गया एस आर टू पॉजिटिव अब एक एस आर टू पॉजिटिव आयन जब इंट्रोड्यूस होगा तो दो एन पॉजिटिव आयन्स को रिमूव होना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रेलिटी को मेनटेन करने के लिए तो एक एन पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हुआ एक एन पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हुआ ठीक है और यहाँ फिर वो वैकेंसी क्रिएट हो गई ये जो वैकेंसी होती है इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड की इंक्रीज हो जाती है आगे देखते हैं बैंड मॉडल द एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर एनर्जी टू ईच अदर इज कॉल्ड अ बैंड इन जनरल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है सॉलिड की वो डिपेंड करती है अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन द फील्ड बैलेंस बैंड एंड नेक्स्ट हाइयर वैकेंट एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड नीचे होता है और ऊपर है फील्ड हाइयर एनर्जी हाइयर वैकेंट एनर्जी बैंड ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है आउटर मोस्ट जो फिल्ड एनर्जी बैंड होता है जा उसको बोलते है, तो है हैं बैलेंस बैंड और जो नेक्स्ट खाली बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड देखिए ये यहाँ पर नीचे होता है बैलेंस बैंड ऊपर होता है कंडक्शन बैंड एनर्जी जैसे है ऊपर जाते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है तो एनर्जी बैलेंस बैंड की कम होती है और कंडक्शन बैंड की ज़्यादा होती है तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पास पास हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड तो कंडक्टर होगा सेमी कंडक्टर में स्मॉल एनर्जी गैप होता है और इंसुलेटर जो होते हैं उसमें लार्ज एनर्जी गैप होता है उसको फॉरवर्डन जोन बोलते हैं ठीक है चलिए देखिए कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स द कंडक्शन बैंड इज क्लोज टू बैलेंस बैंड एंड दे आर फोर द इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली गो इन टू द कंडक्शन बैंड दे आर फोर द इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिकसिटी कंडक्टर्स में क्या हो रहा है जो कंडक्शन बैंड है वो क्लोज है बैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड है वो क्लोज है बैलेंस बैंड के एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में ठीक है तो वो आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकसिटी को इंसुलेटर में इंसुलेटर में जो एनर्जी होती है एनर्जी गैप है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज़ वेरी लार्ज ठीक है यहाँ पर बैलें इंसुलेटर में दोनों के बीच का गैप बड़ा होता है ज़्यादा होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड में जिसकी वजह से इंसुलेटर एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी शो करते हैं सेमी कंडक्टर्स दे हैव ओनली स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द फिल्ड बैलेंस बैंड एंड द एम्पटी कंडक्शन बैंड रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स है थर्मली एक्साइट